पिटबुल प्रकरण में भारतीय किसान संघ ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन। बीते दिनों नई बस्ती मिलक में प्रतिबंधित ब्रीड के पिटबुल कुत्ते ने विपिन शर्मा की पुत्री पर हमला कर दिया था, जिसको लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी जी से शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय ने सख्त लिहाजे में कुत्ते हटाने को लेकर निर्देश दिए थे, पर प्रशासन ने इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, ऐसा पीड़ित के परिजनों ने मीडिया को बताया, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ व ब्राह्मण सभा ने तहसीलदार मिलक को ज्ञापन सौंपा व कार्यवाही न होने की दशा में बेमियादी धरना व आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विवेक शुक्ला, ब्रजेश शर्मा, भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष आदेश संघधार, विपिन शर्मा, राम बाबू शर्मा, दुरेश शर्मा, अत्रिजी आदि मौजूद रहे। क्या नाम है? नाम परिचय दीजिए आपने। मैं डॉक्टर विवेक शुक्ला, अध्यक्ष श्री ब्राह्मण सभा मिलक। किस संबंध में आज आप हैं तहसील में आए? ये अभी 5 जुलाई को एक पिटबुल नस्ल का कुत्ता है और ये हमारे आकृति शर्मा बेटी का नाम है और उनके पिता का नाम है विपिन शर्मा जी। तो इनको जो है बुरी तरह से घायल कर दिया गया था और इस संबंध में भी हमने जो समाधान दिवस था या तहसील दिवस जी, उसमें भी एक मतलब जिलाधिकारी महोदय को दिया था जी, लिखित सूचना दी गई है और उन्होंने ईओ साहब को भी आदेश किया है और अजय पाल सिंह जो यहाँ के शायद कोतवाल हैं, हाँ उनको भी दिया है आदेश किए दोनों के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हम लोग सब श्री ब्राह्मण सभा मिलक की ओर से आए हैं और जल्दी से जल्दी इस कुत्ते को जो है पकड़वाया जाए, वरना नहीं तो फिर ब्राह्मण सभा जो है अगर आगे अगला कदम उठाने को बाध्य हो जी। क्या नाम है? मैं आदेश संघधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर जी। आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक के नाम संबोधित तहसीलदार महोदय को दिया गया है जी। एक घटना नगर में 5 जुलाई को होती है, एक प्रतिबंधित नस्ल का कुत्ता पिटबुल, उसके द्वारा एक 12 साल की बच्ची को काट करके घायल कर दिया जाता है। उसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा नगर पालिका में की जाती है, तहसील मिलक के संपूर्ण समाधान दिवस में की जाती है, वहाँ पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मौजूद होते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद होते हैं, उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कुत्ते को उठा कर लाके कोतवाली में बंद किया जाए, उसके बाद उसको वन विभाग में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन हमारी पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सत्ताधारी नेता हैं और वो एक पार्टी से जुड़ी हुई महिला हैं, उनके दबाव में आकर के पुलिस ये करना क्या चाहती है? क्या कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं? अगर उस कुत्ते के द्वारा किसी व्यक्ति को काट लिया गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। तो हमने एक अनुरोध किया है कि कल शाम 20 तारीख की शाम 5 बजे तक उस कुत्ते को किसी भी हाल में उठा करके वन विभाग भेज दिया जाए, अन्यथा 21 तारीख से तहसील मिलक के अंदर एक बेमियादी धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। जिम्मेदारी उपजिलाधिकारी महोदय मिलक की होगी।